जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत से संबंधित जो है शिक्षा शास्त्र पढ़ने वाले, शिक्षा शास्त्र के कुछ प्रश्न पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले लगभग 4 पार्ट आपके संस्कृत शिक्षा शास्त्र के कम्प्लीट हो चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। इसके आप जो है प्रश्न दिया होगा और विकल्प आपके सामने होंगे, एक विकल्प का चयन करके उत्तर कमेंट में आपको लिखना होगा, ठीक है। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना है, ठीक है। आज का जो आपका पहला प्रश्न है मान का है, भाषाया संबंध अस्ति, तो किससे संबंध है? सामान्य भाषा से है ना, व्याकरणस्य भाषया, क्षेत्रीय भाषया या फिर स्थानीय भाषया। प्रश्न क्रमांक 1 और आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा मानक है भाषाया संबंध अस्ति, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट में लिखें अगर आपको पता है तो। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, विकल्प नंबर बी, यानी कि व्याकरणस्य भाषया, यानी कि जो बी नंबर है वो यहां पर राइट आंसर होगा। विराम चिन्हेषु उचितम प्रयोगस्य संबंधः, तो श्रवणेन, लेखनेन, वाचनेन या फिर व्याकरणेन, तो व्याकरण विराम चिन्हेषु उचितम प्रयोगस्य संबंधः। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर लिखना है तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किससे है इसका संबंध? लेखनेन, यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्याकरणम विना भाषा भवति कर्णप्रिय, कर्णकटु, प्रभावी या फिर अति सुंदर। व्याकरणम विना भाषा भवति, प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर है और 3 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कर्ण, कर्णकटु, कर्णकटु यानी कि जो बी नंबर है वो सही हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ठीक है। आदर्श वाचनस्य मध्यमेन दूरी भवति, पठन संबंधी काठिन्यता, वाचन संबंधी काठिन्यता एवाभिभव या फिर श्रवण संबंधी काठिन्यता। आदर्श वाचनस्य मध्यमेन दूरी भवति, प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर हमें बताना है। तब आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वाचन संबंधी काठिन्यता है, यानी कि जो बी नंबर है वो यहां पर राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विराम चिन्ह त्रुटिपूर्ण प्रयोगेन वाक्यस्य स्वरूपे प्रभावः दृश्यन्ते, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हमें यहां पर बताना है कि विराम चिन्ह त्रुटिपूर्ण है प्रयोगेन वाक्यस्य स्वरूपे प्रभावः दृश्यन्ते, अर्थस्य अनर्थः भवति, वाक्य प्रभावी भवति, वाक्यस्य स्वरूपे विकारः भवति या फिर लेखने सुधारः भवति। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर यहां पर हमें बताना है, तो आपका बिल्कुल सही विराम चिन्ह त्रुटिपूर्ण प्रयोगेन वाक्यस्य स्वरूपे प्रभाव दृश्यते, यानी कि अर्थस्य अनर्थः भवति, है ना। अगर विराम चिन्हों का जो प्रयोग है त्रुटिपूर्ण किया जाता है तो अर्थ का क्या हो जाता है? अनर्थ हो जाता है, और ये नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विराम चिन्ह उचितम प्रयोगेन संभवः अस्ति, दक्षता, विकास, प्रभावी लेखनः, प्रभावी श्रवण या फिर प्रभावी पठन है। ब्राह्म चिन्ह उचितम प्रयोगेन संभवः अस्ति, प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर आपको बताना है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, विकल्प नंबर ए, यानी कि दक्षता, विकास, ठीक है, ए नंबर। व्याकरणस्य प्रयोगः संभवः अस्ति, लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, ए एवं बी दोनों उभौ या फिर अधिगम प्रक्रिया। प्रश्न क्रमांक 7 का व्याकरणस्य प्रयोगः संभवः अस्ति, 7 का जो उत्तर आपका हो जाएगा कि लिखित अभिव्यक्ति और मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। व्याकरणस्य प्रयोगः, व्याकरण का प्रयोग संभव है तो वो लिखित भी और मौखिक भी, और ए और बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्याकरणम अस्ति भाषायाः कठिन तत्व, भाषायाः सरल तत्व, भाषायाः सामान्य तत्व या फिर भाषा या आत्म तत्व है, तो व्याकरणम अस्ति, प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषा या आत्म तत्व है, यानी कि जो डी नंबर है वो यहां पर सही होगा, ठीक है।
प्रश्न क्रमांक 8 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विविधतया युक्त है कक्षा, कक्षे अध्यापक है ध्यानम ध्यात। तो शिक्षण विधि पाठ्यक्रम छात्राणाम शैक्षिक अनिवार्यता शिक्षण अधिगम है सामग्री प्रयोग। तो विविधतया युक्त है कक्षा, कक्षे अध्यापक है ध्यानम ध्यात। प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शिक्षण है अधिगम है सामग्री प्रयोग प्रयोग। डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वड़ा को वरा उच्चारण कस्य परिणाम अस्ति, अशुद्ध है उच्चारण से, अशुद्ध लेखन से, क्षेत्रीय भाषाया है अशुद्ध श्रवण से। तो बड़ा को बरा उच्चारण से कस्य परिणाम अस्ति, प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भाषाया है, यानी कि सी नंबर। ठीक है, रिंकू आशीर्वाद 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 लिखति अयम त्रुटिया कस्य प्रकारमस्ति, यहां पर हमें बताना है उत्तर। तो वर्तनीगत त्रुटि है, भाषाई त्रुटि है, उच्चारण त्रुटि है या श्रवण त्रुटि है। प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वर्तनीगत त्रुटि है ना, आशीर्वाद है और आशीर्वाद यानी वर्तनीगत इसकी त्रुटि, ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छात्र मौखिक अभिव्यक्ति अंतर्गत हीन भावना आत्मविश्वास के कारण भवति, तो अशुद्ध है श्रवण है, अशुद्ध है लेखन है, ज्ञान से अभाव है या फिर अशुद्ध उच्चारणम। छात्र मौखिक अभिव्यक्ति अंतर्गत हीन भावना आत्मविश्वास के कारण भवति, क्या कारण है, प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या कारण है, डी अशुद्ध उच्चारणम, डी नंबर का। ठीक है, यदि कश्चित् कक्षा कक्षे शिक्षक अशुद्ध उच्चारणम करिष्यति तु छात्राः कुर्वन्ति, प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर बताना अशुद्ध है लेखना, व्याकरण संबंधी त्रुटि ए एवं बी उभौ या फिर व्याकरण संबंधी त्रुटि। प्रश्न क्रमांक 13 के अंदर यदि कश्चित् कक्षा कक्षे शिक्षक अशुद्ध उच्चारणम करिष्यति तु छात्राः कुर्वन्ति, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, अशुद्ध है लेखना व्याकरण संबंधी त्रुटि, यानी कि जो ए और बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वाचन संबंधी त्रुटियां है उदाहरण अस्ति छात्रा वालिके धैन्यवा या फिर बकान, वाचन संबंधी त्रुटियां उदाहरण अस्ति, प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, वकान, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, वाचन संबंधी त्रुटियां उदाहरण अस्ति डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है वो क्या है, निरर्थकम सार्थकम च शब्दानाम संयुक्त उदाहरणमस्ति, पानी वाणी, घूमना घामना, धन प्रकाशः ए एवं बी उभौ, तब आपका राइट आंसर आपको बताना है तो पानी और वाणी, घूमना और घामना, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, निरर्थक और सार्थकम शब्दानाम संयुक्त उदाहरणमस्ति बताना था तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। कस्यापि प्रकारेण त्रुटियाः रक्षितुम् आवश्यकमस्ति, शिक्षकस्य सहयोग है, श्रुतलेख प्रतिनिधि या फिर शुद्ध उच्चारणम, प्रश्न क्रमांक 16। कस्यापि प्रकारेण त्रुटियाः रक्षितुम् आवश्यकमस्ति, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शिक्षकस्य सहयोग ए नंबर। ठीक है, आपका बिल्कुल सही होगा, गद्य शिक्षणे अव्यवस्थायाः उदाहरणमस्ति, ब्राम चिन्ह ध्यानम ना, शिक्षण विधि अभाव, छात्रे ज्ञान से अभाव, छात्रे लेखन से अभाव, प्रश्न क्रमांक अपना है 17 और गद्य शिक्षण अव्यवस्थाया है उदाहरण अस्ति, प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ब्राम चिन्ह ध्यानम ना, ध्यानम ना ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। भाषाया है क्रमबद्धताया है तात्पर्यमस्ति, तो कस्यापि रचनाया भाषाई व्यवस्था, कस्यापि रचनाया भाषाई अव्यवस्था, व्याकरण संबंधना शुद्धि,
लयः चागतिः ध्यानम्। प्रश्न क्रमांक 18, तब आपका भाषा या है क्रमबद्धताया है तात्पर्यमस्ति, यानी कि कस्यापि रचनाया है भाषाई व्यवस्था है। ये नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 18 का। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 जो है, प्रश्नों को हमने पढ़ा, भाषा शिक्षण में चुनौतियां, कठिनाइयां, त्रुटियां एवं क्रमबद्धता से संबंधित ये प्रश्न थे शिक्षा शास्त्र के, इनको हमने पढ़ा, इनको हमने जाना, ठीक है। कुछ लोगों से नहीं बने होंगे, कुछ लोग से बने होंगे। अगर आप अभ्यास करते हैं, निरंतर एक दो बार वीडियो देखते हैं, तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा, बनेगा, ठीक है। संस्कृत के उत्तर संस्कृत में ही देना पड़ता है, व्यापम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, उसमें कोई हिंदी हिंदी का रोल नहीं होता, तो आपको संस्कृत में ही इसके उत्तर और पढ़ना और समझना है, ठीक है। तो वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, और पूरे के पूरे वीडियो जरूर देखें दोस्तों। संस्कृत की प्लेलिस्ट बनी है, संस्कृत का पूरा शिक्षा शास्त्र से संबंधित वीडियो आपको देखना है, ठीक है। संस्कृत के पूरे प्रत्यय से संबंधित वीडियो भी मैंने डाले हैं, वो भी आपको देखना है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर अवश्य अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप या फिर अपने अन्य साथियों तक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।